बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज आप व्यूवर्स को एक ऐसे सेटअप पे लेकर आए हैं, आज हम आपको फिंचेस के सेटअप पे लेकर आए हैं। गैस करें कि हम किसके सेटअप पे लेकर आए आपको। चलिए थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करते हैं और आप लोग को टाइम देते हैं गैस करने का। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम अब्दुल रऊफ साहब के सेटअप पर आए हैं जो बर्ड्स मार्केट के अंदर अपनी फटकियों में फिंचेस लेकर आते हैं। आज हम उस सेटअप पे आए हैं, अब्दुल रऊफ साहब से मुलाकात करेंगे और इनके सेटअप पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं इनको। तो अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जानजेब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। वेलकम टू माई सेटअप सर, आपको जानजेब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप आए, क्योंकि हम लोग लेट तो हो गए थे और काफ़ी आपके व्यूवर्स की भी जो है काफ़ी यानी डिमांडिंग थी। मैं खुद यही पढ़ता था कमेंट्स में, तो आपके व्यूअर्स का व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि हम अब्दुल रऊफ साहब का सेटअप देखें कि किस तरीके से वो पटकी में लेकर आते हैं लालू गैद बर्ड्स मार्केट। बिल्कुल, जिस तरह आपको जिस तरह आपको देखता हूँ कि मैं हमेशा फिंचेस लेकर आया हुआ होता हूँ भर के, तो यही मेरा एक सेटअप है छोटा सा, जहाँ आपको मेरी फिंचेस की दुनिया है, यानी आपको यहाँ फिंचेस दिखेंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा ये बताएं रऊफ साहब के, आज इस सेटअप पे आप हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी वैरायटी के फिंचेस दिखाने जा रहे हैं? देखो जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे यानी कि बेसिक से चलने का कहता हूँ, तो मेरे पास तकरीबन कॉमन यानी ज़्यादा यानी बर्ड्स हैं। कॉमन ये फिंचेस जो है ना, यानी हम दो मार्केट में फिंचेस दो तरह से काम हो रहा है, यानी फैंसियर के तौर पर और एक कमर्शियल के तौर पर। कॉमन फिंचेस जो है वो कमर्शियल आइटम है, और यानी कमर्शियल आइटम इस तरह से कि जहाँ व्यूवर्स अपने शौक रखते हैं वहाँ उन बर्ड्स के लिए ख़रीदारी के लिए एक जाल वाले जो जैसे एक जो है होल सेलर बड़े मशहूर हैं वो भी यानी उसको ख़रीद लेते हैं यानी। और बाकी जो फैंसियर में जो बर्ड्स आते हैं उसमें जैसे फिंचेस में कॉमन यानी फिंचेस की जो मोटेशन है वो सिर्फ फैंसियर की हद तक के अभी फिलहाल यानी उनके सर्कल में ही काम कर रहे हैं, तो मोटेशन जो है अभी वो फैंसियर में आती है, जो कॉमन है वो कमर्शियल में आती है। तो मैं दोनों में ही काम कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि मेरे पास कॉमन बहुत ज़्यादा हैं, और कॉमन में ये कि डिमांडिंग भी बर्ड भी बहुत है, तो इसलिए कॉमन में मैं ज़्यादा हूँ, मोटेशन में भी कम हूँ। और इंशाल्लाह आगे चल के मोटेशन आपको फिर जब इन्वाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम पर तो आपको फिर बेताशा मोटेशन यहाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं रऊफ के, इस सेटअप के आप इस सेटअप में आपके पास कितने पेयर्स मौजूद हैं? देखो जहाँ से सही आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तकरीबन 300 से 350 के करीब माशाल्लाह से मेरे पास फिंचेस का पेयर मौजूद है, जो इस तरह कॉलोनियों में मैंने लगाया हुआ है, केज बाई केज भी कुछ लगाया हुआ है, और कुछ छोटी स्मॉल्स कॉलोनियाँ भी बनाई हुई हैं इस तरह से। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उस पर डिफरेंट डिफरेंट मौजूद है मेरे पास, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। हाँ अलग अलग, तो मेन ऑफिस की तरफ मूव करते हैं, एडमिन ऑफिस। हाँ बिल्कुल, चलो डायरेक्ट एडमिन की तरफ आओगे या छोटे छोटे डिपार्टमेंट की तरफ चलते? चलो डायरेक्ट एडमिन की तरफ से आओगे तो फिर चलो डायरेक्ट आपको अपना डायरेक्ट वाला सबसे पहले अपना बड़ी यानी अपने वो दिखाते हैं, अपना हेड ऑफिस दिखाते हैं आपको। हेड ऑफिस आपने कहा हेड ऑफिस, तो चलें अब आपको अपना हेड ऑफिस दिखाते हैं फिंचेस की दुनिया। तो व्यूअर्स यहां देख सकते हैं माशाल्लाह का बोर्ड भी लगा हुआ है, आइए अंदर चलते हैं। आपको दिखाते हैं अपना सबसे पहले अपना हेड ऑफिस, तो ये आइए। ये अब आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपने हेड ऑफिस की तरफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये मेन ब्रीडिंग पॉइंट है जहाँ पे रऊफ साहब हमें लेकर आए हैं फर्दर मालूमात लेने। जी रऊफ। हाँ जी जानेब, ये मेरा पूरा हेड ऑफिस है। डायरेक्ट आपने कहा कि छोटी ब्रांचेस में नहीं जाना है, पहले हेड ऑफिस में जाना है, तो ये मेरा फिंचेस का पूरा हेड ऑफिस है, और इसमें माशाल्लाह तकरीबन 100 के तक आस पास पेयर मौजूद हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा ही हैं लेकिन इस तरह से मौजूद हैं। और एक इस तरह से ये है कि इसमें आपको माशाल्लाह बॉक्सेस, मैंने एक ज़रा थोड़ा सा नया आइडिया लिया है ज़रा किस तरह की चीज़ है, मैं कि एक जगह को अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए ज़रा बॉक्स का एक मैं एक आइडिया लाया हूँ, हम देखें चले तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसमें ये है कि माशाल्लाह से इसमें आपको ब्रीडिंग वगैरह के पर्पज़ के हिसाब से चिक्स वगैरह इसमें सब इसी तरह से आते हैं, चिक्स एग वगैरह इस तरह से ही आते हैं। और मटकियाँ जैसे मैंने कम की हैं थोड़ी ना, क्योंकि यार मटकियों का ना वेट ज़रा ज़्यादा हो जाता है, और तो आपने वुडन बॉक्सेस लगाए ताकि हाँ इनका जरा ये वेट भी ज़रा लाइट है, और ये थोड़ी कम जगह में ज़रा ज़्यादा आ गए हैं तादाद में, तो तकरीबन इस तरह से मैंने इनको लगाया है। और ये माशाल्लाह से सब यहाँ ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये पूरा मेरा हेड ऑफिस है जिसकी अच्छा, मैं ब्रीड तो आपको मार्केट में ला के दिखाता हूँ, आप लोग के व्यूअर्स के ला के सेल करता हूँ, शेयर करता हूँ ये इस तरह से। अच्छा रऊफ ये बताएगा कितने पेयर बताने यहाँ पर? हाँ यार इसमें मेरी ये जो हेड ऑफिस वाली कॉलोनी है इसमें तकरीबन 100 पेयर लगा हुआ है माशाल्लाह से, इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा ही होगा तकरीबन, लेकिन मैं 100 कहूँगा कि इसमें 100 पेयर मौजूद हैं। 100 कॉमन के पेयर हैं ब्रीडर माशाल्लाह से, जो पूरे सब ब्रीड कर रहे हैं। और ये आप इनकी मटकियाँ वगैरह में भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको चिक्स वगैरह एग वगैरह सब दिखेंगे इसमें, ये जो सारे इस तरह से एक कर रहे हैं मामला तरीके चल रहे हैं। ठीक है तो ये बताएं रऊफ के प्राइजेस क्या हैं?
देखो यार, हाँ अपने व्यूवर्स को आपके, वैसे तो तकरीबन आपको पता है मैं 1600 रुपये डिमांड कर रहा हूँ और आपके व्यूवर्स को एक 1400 के हिसाब से पट्टे, और जो रेडी टू ब्रीड होता है वो 1500 के हिसाब से यानी सेल आउट करा रहा हूँ, क्योंकि हम जो है ना पूरा इसको यानी एक अच्छे उस तरह से लेके चलते हैं, इनका पूरा डाइट प्लान और इनकी तमाम चीज़ें जो है इसका यानी पूरा ख्याल रखें, पूरा लेके चलेंगे बर्ड्स बीमार ना हो, तो इस तरह से अच्छी चीज़ यानी आपके व्यूवर्स को जाए, क्योंकि यानी देखिए मार्केट से तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपका भी जो वीडियो का दिखाने का मकसद है यही था शायद मेरे लिए भी कि एक अच्छी चीज़ आपके व्यूवर्स को मिले और यानी इस तरह से लेके चलें, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना सीखा है या जो सीख रहे हैं तो उसको वैसे लेके चलें और बर्ड्स को अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन इन्वायरमेंट उसको दें। अच्छा रऊफ, यहाँ पे जो आपने कॉलोनी बनाई हुई है बड़ी, यहाँ पर आप जो पट्टों से तैयार होते हैं वो भी आप यहाँ पे छोड़ते हैं? हाँ देखिए, इसमें तो माशाल्लाह अभी भी मैंने लास्ट टाइम पट्टा निकाला हुआ, कुछ पट्टा इसमें मौजूद है जो आपको वीडियो में ही दिखेगा, जो अभी छोटा है काली चोंच में, जैसे आपके कैमरे के सामने बिल्कुल बैठा हुआ है मेल के पीछे ग्रीन मटकी में, और इस तरह और भी पट्टे हैं, लेकिन जब ये थोड़े से रेड चोंच हो जाते हैं ना तो फिर हम इसको यहाँ से निकाल के मूव करते हैं, तो फिर हमारे एक पट्टों का सेक्शन अलग है, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, तो वो हम फिर वहाँ मूव कर देते हैं और फिर तैयार होकर यहीं पर आते हैं वापस। नहीं फिर तैयार होकर तो देखो जहाँ हमारी कॉलोनी, इस कॉलोनी में तो नहीं आते, लेकिन अगर मुझे जैसे और आपकी कॉलोनी आगे लगानी है तो वहाँ जाएंगे, और या फिर आपके व्यूवर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि एक कॉलोनी जो है ना ये एक दफ़ा आबाद हो गई है, अब इसमें हम टाइम टू टाइम अगर अपना बर्ड्स छोड़ते रहेंगे ना तो ये मामला अच्छे की तरफ जाने के बजाय ख़राब की तरफ, यानी ज़्यादा की तरफ जाने के बजाय कम की तरफ आएंगे। अच्छा ये बताएं रऊफ के जो आपने बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है इसका साइज़ क्या है? तकरीबन जहाँ से इसकी जो हाइट है तकरीबन 8 फिट है, और इसकी जो डीप है वो तकरीबन 6.5 फिट है, और इसमें अभी भी देखा जाए तो 150 पेयर की यानी जगह है कि इसमें 150 पेयर मेरा आ सकता है, लेकिन मैंने तकरीबन 100 पेयर इसमें रखा हुआ है। अच्छा मैक्सिमम कैपेसिटी जो इसके अंदर 150 पेयर्स? 150 पेयर्स। आपने 100 पेयर्स? मैंने 100 पेयर इसमें रखे हुए हैं, और इसमें तकरीबन 100 पेयर्स मौजूद हैं जो इसमें अपनी चल रही है, एक्टिविटी के चल रहे हैं उसमें। ठीक है रऊफ, अब नेक्स्ट में कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट? हाँ बिल्कुल, अब इसके बाद फिर मेरी इससे जो छोटी कॉलोनी है अब यानी हेड ऑफिस के बाद आप क्या कहेंगे उसे, छोटा वाला जो ऑफिस है वो अब उसकी, अब उस छोटे वाले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, स्कूल की तरफ चलते हैं। चलिए फिर इंशाल्लाह फिर अब आपको वहाँ का इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखाते हैं, चलते हैं। सही है, अब आप आपको सेकेंड डिपार्टमेंट दिखाते हैं जो हमारी फिंचेस के, ये हमारा जानजेब सेकेंड है, सेकेंड डिपार्टमेंट। हाँ ये सेकेंड डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी हमने माशाल्लाह से तकरीबन 50 to 55 pairs यहाँ हमने लगाए हुए हैं। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त हमारी जो नज़र है वो सेकंड कॉलोनी की तरफ है, आइए इससे मुतालिक भी मालूम करते हैं। जी रऊफ, ये सेकंड मेरा डिपार्टमेंट है फिंचेस का, जहाँ पे इस पर भी माशाल्लाह से फिंचेस की यानी प्रोग्रेस चल रही है, और माशाल्लाह इसमें भी अपने पेयरिंग अपने यानी उरूज में ब्रीड वगैरह के मामले में एग वगैरह बैठे हुए, क्योंकि अभी मैंने कुछ कॉलोनी से तकरीबन कॉलोनी से भी जो लास्ट चिक्स आया था वो मैं भी मैंने इसको मूव किया है, और अब जो इसमें है वो कुछ मटकियों में हैं, कुछ एग वगैरह देके बैठे हुए हैं, कुछ छोटे चिक्स आए हुए हैं बाहर जैसे कोने में एक दो बैठे हुए मटकियों की, लास्ट मटकी नंबर 1 के ऊपर आप देखेंगे 3-4 चिक्स अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो जब चिक्स यानी बड़ा हो जाता है ना तो हम उसको यहाँ से मूव करते हैं, जब वो खुद खाने लग जाता है, अगर नहीं मूव करेंगे देख तो वो बड़ा होने के बाद इन्हीं पेरेंट्स में घुल मिल जाएगा और फिर वो अपने पुराने पेयर्स को ख़राब करेगा, और कुछ मैंने यहाँ थोड़े से म्यूटेशंस भी मिक्स किए हैं, आपको ब्लैक ब्रिस्टेड का मेरा वो मटकी नंबर 1 पे मेल दिखेगा बैठा हुआ है इस तरह से, यानी कुछ म्यूटेशंस यहाँ पे भी छोड़ दी थी मैंने, तो वो कॉमन के साथ ज़रा अच्छी चल जाती हैं। और अच्छा ये बताएं रऊफ के यहाँ पे जो आपने फिंचेस रखी हुई है ये सारी पट्टों से तैयार होती है, वो रखी हैं आपने? हाँ देखो, जो मेरा पहला फर्स्ट यानी सेक्शन था उसमें से जो ब्रीड आई तो वो उसमें से सेकंड में गई मेरे पास, फिर सेकंड्स में मैंने यानी अब यानी फिर इनकी ब्रीड चलाई, तो माशाल्लाह अब मेरे पास यानी अब मैं यहाँ पे भी जो कॉलोनी चला रहा हूँ ना ये सेकंड कॉलोनी है और जो फर्स्ट कॉलोनी है, जब इन दोनों के चिक्स बड़े होते हैं तो फिर मैं आप आगे चल के मैं इनको मिलाता हूँ आके, ताकि इन ब्रीड का मामला कहीं गड़बड़ ना करें, क्योंकि अगर अब इन ब्रीड होती है ना बर्ड्स में तो फिर बर्ड्स की हेल्थ ऊपर अच्छी जाने के बजाय नीचे डाउन की तरफ आती है, बर्ड्स का साइज़ कम होता है, उसकी हेल्थ ख़राब होती है, बीमार होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी में उसकी एग्स की क्वान्टिटी में फ़र्क आता है, तो इन ब्रीड भी नहीं होगी, और कॉलोनी वाइज कॉलोनियों की जब आप ब्रीड चलाते हैं तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता है, कॉलोनी नंबर 1 की ब्रीड कॉलोनी नंबर 2 की ब्रीड को हमने जब 3 में मूव किया आगे चल के, जब दो ब्लड लाइन और आगे जुड़ी तो और यानी 3 में और अच्छा यानी रिजल्ट आगे की तरफ जाएगा। अच्छा ये बताइएगा इस कॉलोनी का साइज़ क्या? इस कॉलोनी का साइज़ जो है तकरीबन मेरे पास सर हाइट इसकी थोड़ी कम है, तो इसकी जो हाइट है तकरीबन 6.5 फिट है, और इसकी जो फ्रंट है ना वो तकरीबन 8 फिट है, ये इसका फ्रंट 8 फिट है, उसकी हाइट 6.5 फिट है, और इसकी जो डीप है वो 5 to 5.5 फिट की है मेरी। अच्छा इसके अंदर कितने पेयर मौजूद हैं? इसके अंदर जहाँ से मेरे पास 50 pairs मौजूद हैं, और इसमें बकायदा मैंने मटकियों में नंबर्स वगैरह इसी वजह से लिख के लगाए, तो एक तो प्रोग्रेस मैं अपनी रिपोर्ट जब बना रहा होता हूँ यानी जो कि भाई कौन सी मटकी में किसने अंडे दिए थे और अब कौन क्या सिलसिला है,
तो ये नंबरिंग लिखने की वजह है और इससे आइडिया भी हो जाता है। एक बात और मुझे बताएं, क्या फिंचेस इन नंबर को देख के पहचान जाएंगे अपने घर को? हाँ वैसे तो यार अल्लाह ने इनको इतना सेंस दिया है कि इनको नंबर की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो अपना रजिस्टर में या कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैं करता हूँ उसमें लिखता हूँ तो वो मैंने अपने याददानी के लिए रखा है, लेकिन इनको तो मुझसे ज़्यादा सेंस है। बल्कि अगर आप देखोगे ना, अगर जो मटकी में नर माता, जैसे मटकी नंबर 1 में मेल फीमेल देखो स्टिक्स पे एक साथ बैठे हैं, कोई तीसरा या दूसरा वहाँ जाएगा तो वो उसको मार के भगाएंगे, तो ये तो मुझसे ज़्यादा सेंस रखते हैं। लेकिन ये कि मैं अपने जो चीज़ें लिखता हूँ ना, तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिख के रखा हुआ है कि भाई किस किस टाइम पे किस किस मटकी में प्रोग्रेस आई हुई थी, तो अब किस में कितने टाइम में नहीं आई थी, तो ये मुझे आसानियाँ करती हैं ये चीज़। अच्छा ये बताएगा रहो, जो आप 50 पेयर बता रहे हैं, तमाम के तमाम ब्रीडर हैं? हाँ माशाल्लाह, इसमें तमाम का तमाम पेयर्स मेरा मौजूदा जो है वो ब्रीडर्स है और सब ब्रीड कर रहा होता है इसमें कॉलोनी में माशाल्लाह से। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी कॉलोनी विजिट कर? अब जब हम जाएंगे तो अब हमारे वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट जिसे हम प्राइमरी सेशन कहेंगे, यानी छोटे छोटे यानी हमारे डिपार्टमेंट है जिसमें हमने इनकी जो ब्रीडिंग है वो लेके चलाई हुई है, या म्यूटेशंस में कुछ हमारे पास जो बर्ड है हमने उनको छोटे छोटे सेक्शन की कॉलोनियों में डिवाइडेड किया हुआ, तो अब हम वहाँ चलेंगे। जी रऊफ, यहाँ पे एक छोटे केज के ऊपर हमारी नज़र है, इसके बारे में बताएं। हाँ यार, ये मेरी छोटी छोटी एवरियाँ हैं जिसमें तकरीबन 4-4 पेयर 5-5 पेयर मौजूद हैं इसमें, और ये तकरीबन थोड़े म्यूटेशंस के हिसाब से जैसे आते हैं। ये पेंगुइन आप दिखा रहे हैं आपके कैमरे में जो इसमें जो जा रहे हैं, ये पेंगुइन के नाम से, इसे उर्दू में शराजी कहते हैं और इंग्लिश में यानी पेंगुइन के नाम से ये ब्लड लाइन जानी जाती है। तो ये मेरे पास एक अच्छे साइज़ में यानी ये उसमें पेंगुइन के कुछ पेयर्स मौजूद हैं, और ये ब्रीडर पेयर है, ये भी माशाल्लाह से सारे ब्रीडर्स पेयर हैं और इसी तरह से यानी इनको इस तरह से एनवायरनमेंट दिया हुआ है, तो वो सारे एग पे भी बैठे हैं, किसी में चिक्स हैं, इस तरह से ये सब ब्रीडर पेयर्स की ही कॉलोनियाँ लगी हुई है ये। ठीक है, ये बताएं कि पेंगुइन का पेयर कितने का देना? पेंगुइन का पेयर जो है यार आपके व्यूवर्स को, ये जो कॉमन साइज़ है थोड़ा सा अच्छा साइज़ है ये, तो इसको हम 2500 रुपये डिमांड कर रहे होते हैं, और आपके व्यूवर्स को इसकी जो चिक्स आते हैं वो हम 2200 रुपये से 2000 रुपये में पेयर वाइज सेल कर रहे होते हैं। जी रऊफ, ऊपर वाले सेक्शन में देख रहे हैं। हाँ, फिर आप ऊपर वाले में आ जाएँ तो ये ब्लैक चिक कहलाती है, तकरीबन 2014 या 2015 में 15 के टाइम पर अगर हम जाते हैं पीक टाइम पर, तो ये इस टाइम में पाकिस्तान में यानी ज़ेब्रा के बाद ये एक फर्स्ट म्यूटेशन जो आई थी पाकिस्तान में, जिसको ब्लैक चिक के नाम से और वाइट चिक के नाम से लोगों ने बहुत सराहा था, और तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर ये बिल्कुल कॉमन में ही शुमार हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मार्केट के हालात बड़े डिफरेंट हो गए थे। जो पेयर आपके यानी ये ही पेयर जो आपके तकरीबन समझे 3500 के थे, 3000 के थे, तो ये 50-50, 100-100 रुपये में आ गए थे, और उसके बाद से फिर अब ये जो पेयर्स हैं ये कॉमन में ही काउंट होते हैं, लेकिन एक ये ब्लैक चीक के नाम से है। कॉमन में जो शुमार हुई थी उसके पीछे कोई खास वजह इनकी ब्रीड नॉर्मल तरीके से आती है, क्या वजह है इसके पास? यार ये बस ये नहीं, ब्रीडिंग तो मामला वही जैसे कॉमन ज़ेब्रा एनजी करती है ऐसे यही भी करते हैं, लेकिन एक टाइम था कि इनकी जो खूबसूरती है ना वो ब्लैक चीक की वजह से, यानी आप ज़ेब्रा का जो चीक देखते हैं ना वो गोल्डन कलर में ऑरेंज कलर में होता है, और इनका जो चीक है ना मेल फीमेल्स में वो ब्लैक कलर में ही होता है, तो ब्लैक चीक के नाम से ये मशहूर थे, और ये एक अच्छे टाइम के यानी अच्छी ब्रीड थी, यानी जो आप जाते हैं पिछले बैक पे 2013-14 के टाइम पे, तो ये तकरीबन समझें 2500 से लेके 3-3.5 के पेयर्स थे ये। अच्छा ये बताएं कि क्या प्राइस इन पे? अभी तो यार ये कॉमन में आ गए हैं, बस ये कि मैंने थोड़ा शौक किया है तो वो मैंने ये ब्लैक चिक एक अलग छोटी सी एवरी बनाई हुई है, तो इसमें भी जो पेयर हैं इसमें भी जो मेरे पास ब्रीड आती है ना तो वो भी वही 1500 रुपये के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। जी रऊफ, यहाँ पर भी एक सेक्शन है, इसके बारे में बताएं। देखो यार ये भी मेरा थर्ड सेक्शन है, इसमें तकरीबन मेरे पास स्नो वाइट और फैंसी फ्लोरिडा के मिक्स पेयर मैंने कुछ छोड़े हैं ज़रा इनको तजुर्बा करने के लिए कि इनमें देखते हैं क्या ब्रीड बनती है। तो यहाँ पर कितने पेयर हैं इसमें भी? तकरीबन देखो अभी मैंने बॉक्सेस इसमें लगाए नहीं है, लेकिन तकरीबन मेरा इसमें तकरीबन 8 पेयर छोड़ने का इरादा है, और ये तकरीबन 3-4 बॉक्सेस अभी मैंने लगाए हैं, बाकी अभी मुझे लगाने हैं इसमें। ठीक है, तो ये बताना प्राइस क्या है इसमें भी? जो स्नो वाइट का है वो पेंगुइन की प्राइस में ही बिक रहा है, तकरीबन वही 2500 रुपये की हम डिमांड करते हैं और 2200 रुपये में आपके व्यूवर्स को दे देते हैं, और जो इसमें पेंगुइन है वो भी वही प्राइस में है। जी रऊफ, इनके बारे में बताएं। देखिए ये जो आपका कैमरा दिखा रहा है ये फैंसी फ्लोरिडा का पेयर है, जो इसमें फीमेल्स जो है इसके अपने चिक्स के साथ बैठी हुई है और चिक्स इसमें इसी के ही मौजूद हैं इसमें फैंसी फ्लोरिडा के नाम, तो ये फैंसी फ्लोरिडा म्यूटेशंस कहलाती है, तो इसके पेयर मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस क्या है? फैंसी फ्लोरिडा या तकरीबन हम 4500 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और आपके व्यूअर्स को जो है तकरीबन 4000 तक का पेयर इसको रेडी टू ब्रीड वाला पेयर हम सेल करते हैं। उधर वाला जो पेयर है जो आपका जो कैमरा दिखाएगा वो फैंसी फ्लोरिडा का मेरे पास मौजूद है, और यानी ये भी एक अच्छे वही ब्लड लाइन है इसमें जो फैंसी फ्लोरिडा की है, और आपके बराबर वाले सेक्शन में एक पेयर दिखाएगा आपका कैमरा, तो ये है वाइट में ज़ेब्रा में क्रिस्टेड का पेयर, इसके आपके हेड में आप देखेंगे ना तो इसका हेड अलग, हेड के जो ऊपर हैं उसमें एक क्रिस्ट यानी बाल होते हैं, और 2014-2015 में ये भी अपने टाइम की बहुत यानी पीक की ब्रीड थी जिसका ये पेयर तकरीबन 7-8 हज़ार का था,
और इसकी क्या डिमांड है? और अब इसकी डिमांड भी तकरीबन वही 2500 से 3000 के बीच हम करते हैं, और इसकी खूबसूरती इसके हेड के पर की वजह से आती है। जी रऊफ, ये तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देख लिया और KG1 पे भी नज़र डाल ली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जान से आपने जिस तरह से कहा तो बिल्कुल ऐसी है। हम लोग वहाँ से होते हुए अपने दो डिपार्टमेंट और अपने मिनी डिपार्टमेंट भी होते हुए चले, तो हमने ये आपको दिखाया है। अच्छा ये बताएं आप क्या दिखा रहे हैं, इंटरमीडिएट दिखा रहे हैं कुछ? चलिए अब आपको इंटरमीडिएट दिखाते हैं। इंटरमीडिएट में ये कि थोड़ा मोटेशन टाइप बर्ड आता है, तो चलिए वो आपको इंटरमीडिएट की तरफ लेके चलते हैं। चलिए मूव करते हैं, आइए। जी रऊफ कहाँ लेके जा रहे हैं? फिर आइए, यहाँ देखिए अलग अलग दुनिया बनी हुई है अलग अलग फिंचेस की, तो फिर आपको अलग अलग यानी दिखेंगे। अब आप यानी चलें अंदर और ये आपको सामने मोटेशंस दिखेंगे। जी रऊफ, यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। देखिए आपके इंटरमीडिएट सेक्शन में आ गए हैं हम लोग आपके व्यूज का लेके। ये मोटेशंस के पेयर्स हैं जिसमें आपका कैमरा जो दिखा रहा है वो BFBB का मेल है और उसके साथ BFBB स्प्लिट्स ब्लैक चिक की फीमेल है। तो माशाल्लाह से ये एक पेयर बैठा हुआ है जो ग्रे कलर में है, और इसके आप बराबर में आएंगे तो इसी तरह का BFBB OB स्प्लिट्स यानी मेल मौजूद है फॉन कलर में, और उसके साथ उसी की एक फीमेल डली हुई है हमारे साथ। तो माशाल्लाह से ये भी सेकंड मोटेशंस का पेयर है, और ये तरतीब बाय तरतीब लगे हुए। और इसी तरह से हम नीचे सेक्शन में जाएंगे। हाँ देखो, इसमें ये जो आपका कैमरा जो पेयर दिखा रहा है ना, इसमें जो मटकी में ऊपर बैठा हुआ है वो ईमो स्प्लिट्स का मेल बैठा हुआ है, और एक इसमें एक पेयर जो है वो फैंसी फ्लोरिडा का ही डला हुआ है। तो इसमें दो पेयर मौजूद हैं, यहाँ एक छोटी सी एवरी बनी हुई है, तो उसमें फीमेल्स भी इसके के साथ एक पेयर की तो अंदर बैठी हुई है मटकी में, और एक की ये बाहर बैठी हुई है। इसकी जो प्राइस रेंज है तकरीबन 6500 रुपये के हिसाब से इसकी मार्केट की अभी मौजूदा प्राइस चल रही है जो हम आपके व्यूअर्स को सेल आउट करते हैं। जी रऊफ, इनके बारे में बताएं। ये वाला जो आपका पेयर आपके कैमरे में जा रहा है ये ब्लैक ब्रेस्टेड कराता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको BB कहते हैं। फीमेल जो है इसमें लाइट ब्लैक कलर की है, और मेल जो है इसमें वही ग्रे कलर का है। तो माशाल्लाह से ये भी जो है ब्रीडर पेयर है, और ये माशाल्लाह से अभी ब्रीड कर चुका है, अब ये सेकंड की तैयारी कर रहा है ये। ठीक है, इसकी डिमांड क्या है पेयर की? इसकी भी जो हम आपके व्यूअर्स को इसकी डिमांड करते हैं, आपके व्यूअर्स को 4500 रुपये की इसकी मार्केट डिमांड करते हैं अभी जो मौजूदा इसमें चल रही है, और आपके व्यूअर्स को स्पेशली हम जो है इसके पेयर जो है वो रेडी टू ब्रीड 4000 के हिसाब से सेल आउट करते हैं। जी रऊफ, यहाँ पे जो पेयर्स हैं इनके बारे में बताएं। यार इसमें जानसिब, इसमें जो पेयर मौजूद है ना ये CFW OBBB पेयर है, ऑरेंज CFW वाइट में है, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड का। तो इसमें पूरा मौजूदा पेयर है जो अभी तकरीबन फर्स्ट ब्रीड की तरफ जाएगा, और ये आपके कैमरे में ही मेल फीमेल उसमें बैठे हुए साथ में ही। अच्छा, तो इस पेयर की डिमांड क्या है? मौजूदा डिमांड है तकरीबन वो 12000 रुपये की तकरीबन लगभग, क्योंकि ये CFW में ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड है। जी ये इसका मेल है? हाँ ये इसका मेल है, और जिसका आप ब्रेस्ट बार देखेंगे तो ये CFW में ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड है, और इसी तरह सी की फीमेल है। जी रऊफ, इस पेयर के बारे में बताएं। जानसिब, ये भी इसी तरह से एक मेरा मौजूदा पेयर है, इसमें जो मैंने फीमेल्स डाली है ना यार ये ब्लैक ब्रेस्टेड की डाली है, और इसमें जो मैंने मेल डाला है ना वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड ऑरेंज ब्रेस्टेड डाला है। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं ये क्या ब्रीड में निकालता है। इसमें भी थोड़ी सी ज़रा मुझे अलग टाइप की उम्मीद है ब्रीड में, कि ये थोड़ी अच्छी म्यूटेशंस में कुछ मुझे नई चीज़ ये देगा। तो इंशाल्लाह फिर जब ब्रीड आएगी तो आपके व्यूअर्स से शेयर करेंगे मार्केट लाके, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा व्यूअर्स को। अच्छा ये बताएं इस पेयर की डिमांड क्या है? जानसिब, इस पेयर की जो डिमांड है तकरीबन 5500 रुपये है, और ये इस तरह से BFBB का पेयर है। तो व्यूअर्स, सेटअप पे आने का मकसद हमारी टीम का ये था कि रऊफ साहब के जो फिंचेस का सेटअप है इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के ऊपर नज़र डाली जाए, तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करी, और अब मज़ीद रऊफ से मालूम करते हैं। जी रऊफ। जी बिल्कुल, आपका सेटअप का यही था मेरे लाने का मकसद कि आपको अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस और अपने ब्रीडिंग पेयर्स भी दिखाऊं। तो हमने अभी जो मैंने अपने डिपार्टमेंट दिखाया वो मेरे तमाम ब्रीडिंग करते हुए सेक्शन थे जहाँ माशाल्लाह से ब्रीड कर रहा था। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ मेरी ब्रीडिंग मौजूद है जो आपके व्यूअर्स के लिए रखी हुई है रेडी टू ब्रीड, और जो मैं मार्केट अपना सेटअप का ये बर्ड्स आपके व्यूअर्स के लिए मार्केट लेके जाता हूँ हर संडे। अच्छा रऊफ, ये सेटअप है जहाँ से ब्रीडिंग आती है, पट्ठे आते हैं, जब वो तैयार होते हैं तो आप मार्केट में यहीं से लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, यही मेरा अपना ये सेटअप है जहाँ से मैं अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप मार्केट में लाके शेयर करता हूँ, और मार्केट के आपके व्यूअर्स को सेल आउट करता हूँ। अच्छा आप क्या दिखाने जा रहे हैं व्यूअर्स को? तो बस अब आप चलिए आपके व्यूअर्स को अब उनके मतलब की चीज़ें दिखाते हैं कि उनके लिए क्या क्या हमने जमा किया हुआ जो हम नेक्स्ट संडे या हर संडे मार्केट लेकर आएंगे। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस अपनी ब्रीड दिखाते हैं, अपने पट्ठे दिखाते हैं। आइए आपको अपना पट्ठा सेक्शन में लेके चलते हैं। चलें आइए व्यूअर्स। जी रऊफ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी चिक फिंचेस के पेयर मौजूद हैं सारे पट्ठे हैं। हाँ ये देखो, ये सारे पट्ठे मौजूद हैं, जो मेरी जितनी भी एवरी हैं अभी हमने देखी हैं उसमें से जो चिक्स आया हुआ था ये सारी उसी की ब्रीड है।
अब ये जैसे जैसे इसमें ये अभी देखो काली चोंच के जिस तरह ये रेडी होते हैं ना, तो ये उसमें इस तरह की कंडीशन में मौजूद है। अब जैसे जैसे इनकी जो चोंचे क्लियर होती जा रही हैं तो फिर ये मेरे यहाँ प्राइमरी सेक्शन से निकल के सेकेंडरी सेक्शन में चले जाएंगे, अभी तैयार हो जाएंगे फिर। हाँ अभी तैयार हो जाएंगे इसमें, क्योंकि अभी ये जिस कंडीशन में मौजूद है ना इसमें मेल फीमेल के पैच आना शुरू हो गए, और जैसे ही ये पैच मेल की तरफ जाएंगे या फीमेल की तरफ ये चिक बनने की तरफ जाएगा तो फिर मैं इसको वहाँ पे मूव कर दूंगा, ताकि फिर ये आगे चल के जब प्लस हो ये दोनों तो फिर ये ब्रीडिंग की तरफ जाए। तो ये बताएं रहो, फिर जो हम देख रहे हैं कॉलोनी इसमें चिक्स मौजूद हैं, ये बताएं चिक्स कितने टाइम में तैयार होंगे? देखो इसमें कुछ चिक्स तो जो हैं वो तकरीबन इसमें समझो आप सवा दो ढाई महीने के मौजूद हैं, और जो कुछ चिक्स हैं वो पौने दो महीने के मौजूद हैं जिनकी चोंच में ब्लैक कलर आ गया, और जो अब बड़े चिक्स हो गए ना इसमें जो, तो ये अब मैं इसमें से निकाल के अब उसको सेकेंडरी सेक्शन में मूव कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी सेक्शन है चिक्स के हवाले से। अच्छा रहो, पट्ठों के प्राइस बताएं व्यूवर्स को। देखें ये पट्ठों में से जब रेडी टू ब्रीड हो जाएंगे जो जिस तरह से मैं लेके जाता हूँ, तो ये वही मैं आपके व्यूवर्स को 1500 रुपये के हिसाब से सेल आउट कर रहा हूँ, 1600 की डिमांड कर रहा हूँ और 1500 के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। और अगर कोई व्यूवर्स चाहेगा वो इसको बहुत ज़्यादा उससे थोड़े छोटे पट्ठे मिल जाएँ जिस तरह की ये अभी जिस एज में है, तो ये फिर मैं उनको 1400 के हिसाब से भी सेल आउट कर दूँगा। अच्छा जी रऊफ, यहाँ पे जो देखें इनके बारे में बताएं। या देखो वो मेरा प्राइमरी सेक्शन था ब्रीडिंग के मामले में, ये मेरा सेकेंडरी सेक्शन है, यहाँ पे जो चिक्स बड़े हो जाते हैं तो ये मैंने यहाँ मूव किए हैं। इसमें आपको तकरीबन मेल फीमेल जिसमें दिख रहे होंगे, तो ये इस तरह से जब बड़े हो जाते हैं जो रेडी टू ब्रीड के करीब होते हैं, तो मैं इस तरह यहाँ इनको अलग कर देता हूँ, और फिर ये यानी जब संडे आता है तो फिर आपके व्यूअर्स के लेके मार्केट पहुंच जाता हूँ। यानी बिल्कुल रेडी है ब्रीड। हाँ ये देखो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर आपको पता है हर व्यूअर्स यही चाहता है कि यार मैं जैसे ही बर्ड लूँ मेरे पास जल्द से जल्द ब्रीड आए, और बहुत से डिमांड ये भी कर रहे होते हैं कि भाई लेते वक्त ये ब्रीड कब करेंगे, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार वैसी ही एज में ले जाके बर्ड सेल करूँ आपके व्यूअर्स को, जब ये कुछ टाइमिंग के बाद यानी जब मानूस हो जाए जगह से तो ब्रीड पर चला जाए। ठीक है प्राइस बताइएगा। तो इनके जो ये बिल्कुल जो रेडी टू ब्रीड है इनके आपके व्यूअर्स को जो है वो 1500 के हिसाब से हम देंगे इंशाल्लाह। जी रऊफ, ये भी जान से मैं इसी तरह से बिल्कुल तैयार होते हुए मेल इसमें मौजूद हैं और कुछ पट्ठे मौजूद हैं, और जो बड़े मेल हैं तकरीबन इंशाल्लाह अपकमिंग संडे मैं लेके जाऊंगा, और इसमें जो छोटे मेल हैं तकरीबन वो भी तकरीबन समझो 65% तैयार हुए हैं, जिसमें यानी इसमें ये होता है कि जब मेल बनता है ना बर्ड तो मेल के कलर्स आने शुरू हो जाते हैं, आइस के नीचे गोल्डन कलर, ब्रेस्ट बार आ जाती है, ज़ेब्रा लाइनिंग वगैरह, तो मेल से आपका इस तरह से पता चलता है। तो ये सारे मेरे मेल मौजूद हैं जो बिल्कुल यानी इसमें रेडी टू ब्रीड्स हैं इसमें, और नीचे वाले सेक्शन और इसमें कुछ मोटेशंस के भी यानी ब्रीड आई हुई है, तो वो भी इसके मेल मैंने यहीं डाले हैं, तो उसमें इसमें मोटेशंस वाले और कॉमन वाले तरह के दोनों ही मेल मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं प्राइस क्या है मेल की? कॉमन तो यार हम वही दिखा रहे हैं, आप ये दे रहे हैं अपने व्यूवर्स को 1500 के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं रेडी टू ब्रीड पे। कोई सिंगल मेल लेता तो? और सिंगल अगर मेल लेता है तो वही 750 बनता है हमारे पास, लेकिन हम मेल का ये करते हैं कि 700 में दे देते हैं। जी रऊफ, यहाँ पे जो देखने व्यूअर्स इनके बारे में बताएं। ये सारी यार मैंने फीमेल्स अलग रखी हुई हैं जो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड के करीब पहुँच गई हैं, क्योंकि जब बर्ड आपका रेडी टू ब्रीड पहुँच हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा वो एक दूसरे को प्लकिंग भी करना लगता है और फिर हीट पे भी आ जाता है, तो इसमें ये जो आपका कैमरा दिखा रहा है ये सारी फीमेल्स मौजूद हैं जो रेडी टू ब्रीड के करीब हैं, तो आपके व्यूअर्स को यानी फिर इस तरह से पेयर बना के फिर इंशाल्लाह फिर संडे वाले दिन उनसे हम मार्केट में हम मिलेंगे। जी रऊफ, यहाँ पर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं फिंचेस वाइट कलर के हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ यार ये सारे CFW नॉर्मल ग्रे इसमें एनजी की फीमेल है यानी एनजी के पेयर है नहीं, जिसको हम कॉमन वाइट कहते हैं, इसके लिए एक मैंने थोड़ी सी एक अलग कॉलोनी भी बनाई है, क्योंकि ज़रा लोग ना वाइट की डिमांड ज़रा ज़्यादा करने लगे हैं आजकल ना, क्योंकि ज़रा वाइट कलर ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा एक तो लगता भी यूनिक है और थोड़ा सा लोग ज़रा वाइट मांगते हैं, तो ये स्पेशली मैंने एक वाइट की एक अलग थोड़ी सी कॉलोनी इससे छोटी बनाई है, जिसमें तकरीबन 12-13 पेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे जो ब्रीडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा ब्रीडर पेयर हैं वाइट कलर, ये सारे ब्रीडर, ये सारे मेल भी इसमें वाइट हैं, फीमेल्स भी इसमें वाइट हैं, और ये सारे ब्रीडर पेयर हैं। वाइट के प्राइस क्या है? वाइट के पेयर्स भी तकरीबन हम जब अपने व्यूअर्स को वही 1500 में सेल आउट करते हैं, लेकिन वाइट जो है ना जरा कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर कोई व्यूअर्स कहे कि मुझे 100 सारे के सारे पेयर 100% वाइट ही चाहिए, तो फिर उसमें जो वाइट है ना वो फिर मैं 1600 के हिसाब से 1700 के हिसाब से सेल करता हूँ। जी रऊफ, चिक्स वगैरह तो दिखा दिए, अब क्या दिखाने जा रहे हैं? देखो अब मैंने थोड़ा सा कुछ नया लिए लेके चाह रहा हूँ चलना, तो उसमें ये है कि मैं थोड़ा जावा की तरफ भी आया हूँ, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि जावा में भी थोड़ा लोग कह रहे हैं कि रऊफ भाई जावा लाएँ, और मुझसे डिमांड भी करते हैं कि जावा है आपके पास, तो मैंने फिल वक्त तो कहा हुआ है कि अभी मेरे पास जावा मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने जावा के कुछ पेयर लेकर डाले जो इंशाल्लाह अपकमिंग जब ब्रीड करेंगे तो फिर मैं आपके व्यूवर्स को बिल्कुल दूंगा। क्या अच्छा, प्रोग्रेस? ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये वाइट जावा आपने डाले हैं? हाँ यार मैंने तकरीबन इसमें 15 पेयर्स लिए हैं जावा के, जो मैं इंशाल्लाह ब्रीडिंग कराऊंगा, और ये अभी तकरीबन समझो ब्रीडिंग के करीब ही जाने वाले मामलात में हैं, थोड़े छोटे हैं ये और महीने डेढ़ महीने में ये ब्रीडिंग की तरफ चले जाएंगे, तो इसमें यही है कि ऊपर वाले सेक्शन जो आपने दिखाया था वो मैंने उसमें फीमेल रखी हुई थी, और ये सेकंड सेक्शन है इसमें मैंने अभी मेल रखे हुए हैं ये सारे।
तो ये इस तरह से भी सेटिंग में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये ब्रीडिंग वाले मामला करेंगे। अच्छा ये बताएं कि कितने टाइम के बाद ये ब्रीड पे आ जाएंगे? यार मैंने जो अभी इनके बारे में जो सुनाया है तकरीबन ये 7 से 8 महीने की एज में ब्रीड पे जाता है और इसको तकरीबन आप साल भर की एज में अगर ब्रीड करवाएं तो बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड करता है। यार किस एज में जो हम देखें ये तकरीबन हमारे पास जो है तकरीबन 6.5 महीने की एज में तकरीबन आप पहुँच चुके हैं ये और इसमें ये कन्फर्म मेल फीमेल से तो उनके पैर में आप बैंडिंग देखेंगे रिंग डाला हुआ तो मेल्स में एम बने हुए हैं और फीमेल्स में एफ बना हुआ है तो ये इस तरह से मैंने लेके डाले हुए हैं। अब ये नीचे नेक्सिंग मटेरियल भी डाला हुआ है नारियल की ग्रास तो ये जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये इन बॉक्सेस में घास जमाना शुरू करेंगे। जी रऊफ ये तो हमने आपके सेटअप पे विजिट कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स ने इन्जॉय किया होगा वीडियो देख के। अच्छा साथ साथ ये भी बता दें व्यूवर्स को कि इनकी डाइट से मुतालिक और इनकी फीड से मुतालिक बताएं कि इनको कौन सी ऐसी फीड देनी चाहिए जिसमें इनकी ब्रीडिंग रिजल्ट और परफॉर्मेंस बढ़े। देखो मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखा है वो ये आपसे शेयर करूँ। मैंने जो इसको जो डाइट में दे रहा हूँ वो उसमें बारीक कंगनी और मैं वाइट वाली बारीक कंगनी रेड वाली और कनेरी सीड ये 3 चीज़ों का मैं मिक्सिंग देता हूँ और इसमें ये है कि सर्दियों में वो अप डाउन होती हैं चीज़ें, यानी सर्दी में कनेरी जो है बढ़ जाती है और गर्मियों में कनेरी की मकदार कम हो जाती है, लेकिन यही 3 चीज़ें जो है इनकी पूरा साल चलती हैं फिंचेस की ना ब्रीडिंग के मामले में। और जहाँ तक आप उसकी ब्रीडिंग और सर्दी के हवाले से कंट्रोल का पूछ रहे हैं तो सर्दियों में ये था कि मैं इसकी जो फीड थी इसमें मैं इसमें जो दाना था उसमें फ़िश ऑयल वगैरह मिला के दे रहा था ताकि जो इससे ये कि इनका बॉडी टेम्परेचर लूज़ ना हो, यानी इनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और बाकी ये केज वगैरह को कवर करने के लिए हवा वगैरह से बचाना पड़ता है तो तरपाल वगैरह शेड वगैरह सब लगाए हुए थे और एग फूड ज़रूर चलता है। आप अच्छी ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को चाहते हैं उसकी हेल्थ अच्छी है तो आपको सॉफ्ट फूड में एग फूड देना पड़ता है, वीक में तकरीबन 3 डेज़ 4 डेज़ आप उसमें दें। उसके अलावा आप उसको सूखा झींगा जो पाउडर आता है वो आप उसको या तो चाहें तो एक अलग बर्तन में रख दें या उसमें दाने में मिला के दे दें तो ये ज़रा सर्दियों में इनकी ज़्यादा केयर होती है और उसी के हिसाब से भी ब्रीडिंग रिजल्ट भी बर्ड्स आपका यानी उसका अंदर का सिस्टम यानी अच्छा है, एक्टिव है, हेल्दी है और तो वो फिर ब्रीडिंग भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी फिर दिखाता है। अच्छा रऊफ ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि सर्दी के एनवायरनमेंट में और गर्मी के एनवायरनमेंट में इनको क्या टेम्परेचर देना चाहिए इनके एटमॉस्फेयर में? देखो फिंचेस का जो है ना कम से कम यानी जो इनको आइडियल टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 to 30 के बीच जो रहता है जो इसमें ब्रीड बड़ी अच्छी कर रही होती हैं और यही आप यानी मैनेज कर सकते हैं सर्दियों में भी तो उतना ही टेम्परेचर रखें। लेकिन सर्दियों में भी है कि मैंने भी जो इस टाइम ये जो मैं मैनेज किया ना तो मैंने तकरीबन सर्दी में मैंने अपने टेम्परेचर कंट्रोल करने में 20 तक के रखा हुआ था शेड को, वो भी इस वजह से कि आप मेरे दिखाएंगे कि तरपाल वगैरह शेड वगैरह लगे हुए थे तो मैंने इनको सब बंद किया हुआ था और हवा बिल्कुल रोकी हुई थी तो और इसके अलावा मैंने अपना मीटर लगाया हुआ जो मुझे क्लॉक लगाई हुई है टेम्परेचर क्लॉक जो मुझे बता रही होती थी कि भाई कितनी ह्यूमिडिटी और कितना टेम्परेचर है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके बर्ड्स में जो डेड सेल का मसला नहीं आता और ब्रीड भी जो मामला है वो चलते रहते हैं अच्छे। अच्छा ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं आप? ह्यूमिडिटी जो है तकरीबन आपकी 25 से नीचे नहीं जानी चाहिए और तकरीबन 25 या 30 से लेकर 70 के आसपास रहनी चाहिए तो आपके जितने भी आएंगे वो डेड सेल नहीं होते हैं या सूखते यानी ख़राब नहीं होते, डेड सेल नहीं होते हैं। और इसी के अगर आगे पीछे हो गई या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई या बहुत ज़्यादा डाउन हो गए तो फिर आपके जो है कि वो डेड सेल हो जाता है, उसमें भी फर्टिलिटी नहीं आती। अच्छा ये बताएं रऊफ साहब के 300 to 350 पेयर में ये आपको मंथली रूटीन में ब्रीडिंग में जो चिक्स आते हैं वो आप कितने हासिल करते हैं? देखो इन मैंने जो 350 पेयर्स लगाए हुए तो उसमें ज़ाहिर बात है हर तरह से बर्ड्स अलग अलग कंडीशन में मौजूद होता है, कुछ बर्ड्स एग पे बैठे हुए होते हैं तो कुछ ही मटकियों में छोटे चिक्स मौजूद होते हैं, कुछ के चिक्स यानी सेल्फ में होते हैं और कुछ जो मेरे पास रेडी टू ब्रीड होते हैं। तो आप मंथली अगर मेरे से पूछना चाह रहे हो तो मंथली मेरे पास तकरीबन 70 to 80 बच्चा यानी मौजूद होता है यानी 350 पेयर का मंथली के हिसाब से। लेकिन अगर आप पूछ ये ऑल ओवर ये पूछना चाह रहे हो कि 350 पेयर्स का एक कलर जो एक टाइम पे ब्रीड करे तो टोटल वो कितनी ब्रीड देता है तो वो आप तकरीबन आप लगा लो तकरीबन एक पेयर का 3 चिक्का रेशो लगा लो आप तो ये टोटल ब्रीड 350 पेयर में से एक टाइम मौजूद होगी। लेकिन आप मंथली का जो पूछ रहे हो ना तो मंथली में यही होता है कि कभी किसी कुछ पेयर के बच्चे आए हुए होते हैं कुछ के यानी एग होते हैं तो मंथली में तकरीबन 70 to 80 बच्चा यानी पर मंथ में निकाल लेता हूँ जो यानी मैं वक्फे से फिर मार्केट लेके जाता हूँ। अच्छा रऊफ तो ये बताएं कि मंथली इनकम आप कितनी हासिल कर लेते हैं इनसे? देखो मंथली इनकम तो मेरे पहले जिनसे ज़्यादा पता जिस बर्ड से हासिल करूँ पहले तो मैं इनके एक्सपेंस वगैरह भी फिर निकालता हूँ जिनमें इनका पूरा महीने के में डाइट प्लान में पूरा इनका दाने वगैरह के कट्टे और इनकी जितने भी इन्वायरमेंट इनके समंदरी झाग ये वो सब चीज़ें लाने के बाद जो टोटल है वो मंथली मेरे पास जो तकरीबन आते हैं वो तकरीबन आप समझो 30 के पास होते हैं, 25-30 का अप डाउन होता रहता है यानी। और बाकी जो आता है वो मामला तो जैसे अभी आप क्योंकि इनके मार्केट प्राइस के ऊपर भी है यार वो भी हम अपना फिक्स नहीं करते हैं ना क्योंकि इनसे कोई फिक्स चीज़ नहीं मिलती है मुझे। आज रेट अगर मैं 1500 में बेच रहा हूँ
पहले जो 450 भी था उसमें भी बेचे, तो मेरी अप डाउन होती रहती है, कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। लेकिन एक आप समझो बिज़नेस के हिसाब से जिस हिसाब से लेके चलो तो एक अच्छी चीज़ है, और एक तो आपको पॉजिटिविटी बहुत अच्छी मिलती है इससे, आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है और आपको काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर देता है ये। यानी देखा जाए तो मुनाफा बख्श कारोबार के लिहाज से अच्छा कारोबार है। देखो हाँ बिल्कुल मुनाफा बख्श कारोबार है, और एक आपका अपना पर्सनल काम है, यानी आप किसी के इतना कोई जॉब वॉब नहीं करें आप, और फिर आपके ऊपर ये कि आप जितना हिस्सा लेके चलो। सबसे बेहतर है आप यहीं पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट खोल लें। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको अपने डिपार्टमेंट दिखाए माशाल्लाह से, मैंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी बढ़ाते बढ़ा के इन्हीं के पैसों से, इन्हीं के खर्चों में से निकाल के इन्हीं में ही लगाएं, तो माशाल्लाह एक अच्छी हेल्दी बिज़नेस कहेंगे इसको। लेकिन ये है कि जो इसको पहले समझ ले तो वो उसको बिज़नेस कह सकते हैं। लेकिन मैंने भी जो देखो बिज़नेस कहा है ना, इसको बिज़नेस आप ये नहीं कह सकते कि कोई नया व्यूवर्स आज वीडियो देखे और कल खड़े होकर कहे कि मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बिज़नेस समझने के लिए करने के लिए उसको 2-3 साल तक का टाइम लगेगा, तो उसके बाद वो कह सकता है कि ये अब मेरी बिज़नेस फील्ड है। नहीं तो पहले ये पैशन होता है, मैंने भी एज अ पैशन स्टार्ट किया था अपने स्कूल लाइफ से, अब ये मेरा प्रोफेशनल हो गया है, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा बिज़नेस है, कह सकता हूँ मैं इसको। और मैं आपको पता है कि हूँ भी इसी मामलात में कि बट से ही मेरा जनरेट रिलेटेड काम है, तो मैं इसको बिज़नेस के तौर पे लेकर चल रहा हूँ। तो रऊ पहले आप स्कूल में थे और अब आपने फिंचेस का स्कूल भी खोल लिया। बिल्कुल, जहाँ से पहले मैं स्कूल में था तो अब मैंने फिंचेस के स्कूल खोल लिए, अलग अलग उनके सेक्शन खोल लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट खोल लिए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। चलें व्यूवर्स, तो ये था रऊ साहब के सेटअप का विजिट। आप लोग लाजमी तौर पर हमें कमेंट्स में फीडबैक देगा कि आपको उनका सेटअप कैसा लगा। अब रऊ साहब से इजाज़त लेते हैं जी। जनाब बहुत शुक्रिया अपना, बहुत शुक्रिया जहाँ से आपका और सर आपका कि आप लोग आए, और आपके व्यूवर्स की मैं खुद देखता था काफ़ी डिमांडिंग थी, कमेंट्स वगैरह मैं देखता था और मैं यही था, और काफ़ी आप लोग के व्यूवर्स से बात होती है उसमें, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, क्या किस किस के नाम लूँ याद तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके हैं, और उनकी सबकी डिमांड थी कि मैं अपना सेटअप दिखाऊं, तो कोशिश है कि अपना ये जो छोटा सा मैंने काम किया वर्क किया ये आप लोग के साथ शेयर करूं, आपके व्यूवर्स को दिखाऊं, ताकि उनका भी दिल लगे और फिर वो उसको अप्रिशिएट भी करें, और फिर अगर चाहते हैं ये चीज़ लेके करना तो आगे बढ़ें। चलिए रऊफ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देना। मेरा नाम अब्दुल रऊफ, मेरा नंबर 03131007185। और लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा कि मेरे यानी इस सेटअप का एक छोटा सा चैनल भी बना हुआ है जो थोड़ी हल्ला गुल्ला फ़नी के हिसाब से आता है, तो उसका नाम जमशेद फार्मिंग के नाम से, जमशेद फार्मिंग के नाम से, और उसमें भी आप चाहें तो आप उस चैनल को देख के उसमें वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगी थोड़ी इंटरटेन। चैनल बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स ज़रूर विजिट करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स फाइनली आज हम लोगों ने अब्दुल रऊफ साहब के सेटअप का विजिट कर ही लिया। बहुत सारे व्यूवर्स इंतजार में थे, कमेंट्स में बार बार कह रहे थे कि जी रऊफ साहब का सेटअप दिखाएं, तो आज उन्होंने देख लिया होगा कि रऊफ साहब का सेटअप कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि उनको पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग की खिदमत में सेटअप की वीडियो लाते हैं, नए नए सेटअप आपको दिखाते रहें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी टीम आप व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।